हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कुकीज़ का एग्जांपल। एक्चुअली हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कुकीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं स्टेट को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूज़ केस समझाऊंगा कि हम लोग करने के वाले हैं और उसको हम लोग फिर से प्रैक्टिकल करेंगे अपने नेटबीन्स आईडी की हेल्प से। चलिए सबसे पहले आपको समझाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोगों ने स्टेटलेस प्रॉब्लम का समझा था, उसी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वो मैं एग्जांपल पहले समझा देता हूँ आपको। मेरे पास सर्वर पे एक सर्वलेट था S1, सर्वर पे मेरे पास एक सर्वलेट था। तो मेरे पास एक सर्वर पे सर्वलेट था S1 और एक सर्वलेट था S2। दो सर्वलेट थे, दैट मीन सर्वलेट 1, सर्वलेट 2। और मेरे पास एक होम पेज था यहाँ पे, जिसको हम लोग बोल रहे थे index.html, और इस पे हमने बनाया था एक फील्ड और बनाई थी ओके बटन। जैसे ही बंदा अपना नाम लिखता था, सपोज उसने लिखा ABC, ये फॉर्म चला जाता था सर्वलेट वन के पास, सबमिट हो जाता था। दैट मीन्स रिक्वेस्ट वन चली जाती थी सर्वलेट वन के पास विद नेम, नेम इसके अंदर चला जाता था। ये सर्वलेट वन क्या करता था, उस नाम को फेच करता था और ये एक रिस्पॉन्स जनरेट करता था क्लाइंट के लिए। दैट मीन्स क्लाइंट पे दिखता था हेलो, और फिर यूज़र का नाम ABC, वेलकम टू माय वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पे एक बटन दिखती थी गो टू सेकंड सर्वलेट। जैसे ही S2 पे क्लिक करता था, हमारा सेकंड सर्वलेट चल जाता था, लेकिन ये रिक्वेस्ट टू गई है सर्वलेट टू के पास। ऐसा हम सपोज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट टू गई है सर्वलेट टू के पास। और हम लोग क्या करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट टू में हमने नाम नहीं भेजता था, और S2 क्या कर रहा था, उस नाम को फिर से फेच करने की कोशिश कर रहा था, देख रहा था कि फेच कर पा रहा है कि नहीं फेच कर पा रहा है, और ये भी प्रिंट कर रहा था हेलो, और उसके बाद ABC प्रिंट कर रहा था। तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा था नल, वेलकम बैक टू माय वेबसाइट। तो ये प्रॉब्लम थी जो हम लोग फेस कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कुकीज़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे, जो भी रिस्पांस देना होगा, और जब ये रिस्पांस जा रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, इस रिस्पांस के साथ एक कुकी ऐड कर दूंगा, और कुकी में n की वैल्यू रख दूंगा यूज़र का नाम। तो दिस इज़ कुकी, और ये कुकी क्या होगी, जाके क्लाइंट के मशीन में यहाँ पे सेव हो जाएगी कहीं। उसके बाद जैसे ही रिक्वेस्ट हो जाएगी, इस रिक्वेस्ट टू के साथ कुकी वापस चली जाएगी विद नेम। और हम लोग यहाँ करें क्या करेंगे, कुकी को फेच कर लेंगे, और फेच करने के बाद हम इससे नेम को भी निकाल लेंगे, और उसके बाद हम नेम को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपली यही है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही बंदा रिक्वेस्ट भेजेगा, पहला जो भी डेटा होगा, और ज़्यादा डेटा नहीं, मैं सिर्फ नाम उसका कुकी में रखूँगा, और कुकी को रिस्पांस के साथ ऐड कर दूंगा क्लाइंट के मशीन में, कुकी सेव हो जाएगी। जैसे ही बंदा दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा, कुकी भी उसके साथ चले जाएगी, तो मैं कुकी फेच करूँगा, और कुकी की हेल्प से मैं नाम को फेच करूँगा, नाम को प्रिंट कर दूंगा। दैट मीन्स यूज़र तो एक ही बार रिक्वेस्ट भेजेगा और नाम देगा, लेकिन जैसे ही वो दूसरी बार भी रिक्वेस्ट भेजेगा विदाउट नेम, हम उसका नाम प्रिंट कर देंगे हेलो ABC, उसको पहले से प्रिंट कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, कैसे हम लोग इसको कोड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे नेटबीन्स है, और हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने स्टेटलेस प्रॉब्लम को समझाया था। यूट्यूब वन नाम का प्रोजेक्ट है, जिसमें एक इंडेक्स पेज है, जिसमें हमने एक फॉर्म बनाया है, एक फील्ड बनाई है, और इस फॉर्म को मैं दिखा दूँ, मैंने सबमिट किया सर्वलेट वन पे, और इसमें सिंपली एक फील्ड है, और उस फील्ड का नेम है नेम। दैट मीन्स नेम से हम डेटा फेच करेंगे, और हमने एक बटन बनाई सबमिट के। जैसे ही आप ओके करोगे सर्वलेट वन पे, ये फील्ड सबमिट हो जाएगी। सर्वलेट वन पे मैंने कुछ किया नहीं था, मैंने क्या किया था, सिर्फ नाम को देखिए फेच किया था, और हेलो नेम वेलकम टू माय वेबसाइट प्रिंट किया था, और एक बटन प्रिंट की थी जिससे कि सर्वलेट टू एग्जीक्यूट हो सके। तो सर्वलेट टू जैसे ही आप क्लिक कर रहे थे, मैं कोशिश कर रहा था ऐसे ही सर्वलेट वन से जो डेटा आ रहा है, या हम लोग ऐसे ही कोशिश कर रहे थे कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम वैल्यू निकालने के लिए, बट एज सच कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, तो फर्जी ऐसे ही हम लोग निकाल रहे थे, तो यहाँ पे नल प्रिंट हो रहा था। तो ये वाला एग्जांपल पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली करके, उसके बाद हम इसमें कुकी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो राइट क्लिक करते हैं और इसको रन कर देते हैं। जैसे रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे ब्राउजर ओपन हो जाएगा,
और ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, रन होने लगेगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे हमारे सामने होम पेज ओपन हो जाएगा, और होम पेज पे हमारा वही फील्ड दिखेगा और एक बटन दिखेगी सबमिट की। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास होम पेज ओपन है, जो इंडेक्स पेज जिसको हम लोग कह रहे थे। और यहाँ पे हम लोग को एक नाम देना है और फिर सर्वलेट की यहाँ बटन दबा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेम में ऐसे ही मैं ले दे रहा हूँ जॉन, और मैं गो टू सर्वलेट वन करता हूँ। तो आपका देखिए सर्वलेट वन चल जाएगा और ये प्रिंट कर देगा, हेलो जॉन, वेलकम टू माई वेबसाइट। उसके बाद जैसे ही मैं गो टू सर्वलेट टू पे क्लिक करूंगा, देखिए सर्वलेट टू ने डेटा फेच करने की कोशिश की बट नल प्रिंट हुआ। अब हम लोग को कुकीज़ की हेल्प से यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसे ही सबमिट वन, जैसे ही नाम रिक्वेस्ट वन सबमिट होगा सर्वलेट वन को, यहाँ पे देखिए नाम फेच किया, नाम प्रिंट किया, बटन प्रिंट किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कुकी क्रिएट करूँगा, क्रिएट अ कुकी। तो कुकी बनाने के लिए हमारे पास कुकी नाम की क्लास है, जो कि जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी पैकेज में है। तो हम लोग उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कुकी सी इज इक्वल टू न्यू कुकी। और कुकी को दो चीज़ें देनी है, एक नेम और उसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, नेम में ऐसे लिख देंगे यूज़र अंडरस्कोर नेम, और वैल्यू में नेम दे देंगे। तो कुकी हमारी रेडी है। अब इस कुकी को हम लोग रेस्पॉन्स में सेट करने के लिए रेस्पॉन्स डॉट एड कुकी नाम का मेथड यूज़ करेंगे और कुकी को पास कर देंगे। दैट्स इट, इतना सिंपल है। हम लोगों ने सिंपल कुकी को बनाई है, अपनी की और वैल्यू दे दी है। उसके बाद हमने रेस्पॉन्स का एक फंक्शन यूज़ किया है, मेथड यूज़ किया एड कुकी, और कुकी को पास कर दिया सिंपली। जैसे ही यहाँ से रेस्पॉन्स जाएगा, उस रेस्पॉन्स में कुकी चली जाएगी और क्लाइंट के मशीन में सेव हो जाएगी। जैसे सर्वलेट टू को रिक्वेस्ट आएगी, दूसरी रिक्वेस्ट, सबसे पहले कुकीज़ उस रिक्वेस्ट के साथ कुकी आ जाएगी। तो मैं कुकी को गेट करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा गेटिंग ऑल द कुकीज़, क्योंकि कुकीज़ कई सारी हो सकती हैं। तो गेटिंग ऑल द कुकीज़, कई सारी कुकीज़ निकालेंगे हम लोग। तो हम रिक्वेस्ट में कुकीज़ आ रही होंगी, तो हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे गेट कुकीज़, और गेट कुकीज़ हमें एरे दे देगी कुकीज़ की। तो हम वेरिएबल ले लेंगे कुकीज़ या कुकी, और ये एरे टाइप का वेरिएबल होगा, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुकीज़ का वेरिएबल नहीं, ये बेसिकली एरे है, मोर देन वन कुकीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कहीं ये, पहले दो वेरिएबल ले लेते हैं हम। एक वेरिएबल ले लेंगे बुलियन का, बुलियन बुलियन एफ इज इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने ऐसा समझ लिया कि वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स नया यूज़र है, और अगर ट्रू होगी इसका मतलब पुराना यूज़र है। और हम स्ट्रिंग नेम ले लेंगे नाम को स्टोर करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मैंने ब्लैंक ले ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुकीज़ एक एक कुकी निकालेंगे अपने उस एरे से। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा इफ इन केस अगर कुकी इज डबल इक्वल टू नल, दैट मीन्स अगर नल है इसका मतलब कोई कुकी है ही नहीं। और अगर, तो इसको मैं कुकीज कर देता हूं, कुकीज अगर नल होगी इसका मतलब कोई कुकी नहीं है। तो आपको यहां पे मैसेज दे देना है सिस्टम डॉट या आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहां पर हम लिखेंगे H1, लिखेंगे यू आर न्यू यूजर, गो टू होम पेज एंड सबमिट योर नेम, सिंपल। उसके बाद एल्स, इसका मतलब कोई ना कुकीज हैं, कोई ना कुकीज हैं, 1 2 3 4। तो हम लोग एक लूप चलाएंगे उस कुकीज, इस वाली कुकीज की एरे से वैल्यू फेच करने के लिए। तो हम फॉर ईच लूप लगाएंगे, और इस वाली कुकी की एरे में एक कुकी कुकीज रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा कुकीज, कुकी सी कोलन कुकीज, कुकीज सिंपली होगा क्या, आपके सी वाले वेरिएबल में एक एक कुकीज आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी अपनी वाली कुकीज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम हर एक कुकी का नाम निकालेंगे सी डॉट गेट नेम, और इसको कुकी के एक कोई टेम्प्रेरी वेरिएबल लेके इस नाम को स्टोर कर लेते हैं। तो हमने कहा टी नेम, टेम्प्रेरी नेम, और हम चेक करेंगे कि इफ अगर टी नेम डॉट इक्वल्स यूज़र अंडरस्कोर नेम, जो हमने कुकी का नाम सेट किया था यूज़र अंडरस्कोर नेम, अगर है इसका मतलब ये हमारी वाली ही कुकी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली कुकी, अगर ये नाम मिल गया हमें, दैट मीन्स ये हमारी वाली कुकी है। और हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू क्या कर देंगे, सिंपली ट्रू कर देंगे, जिससे कि पुराना बंदा है हमें पता चल जाएगा, इस वैल्यू हमारी ट्रू हो जाएगी। और नेम में हम क्या करेंगे, अपनी कुकी की वैल्यू निकालेंगे कि भैया कौन सा नाम सेट था उसके अंदर, इतना काम करेंगे हम लोग। और जब ये
लूप खत्म होगा और एल्स खत्म होगा, उसके नीचे आके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लाइन को हटा देंगे और नाम प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक इफ़ लगा देता हूँ और ये तभी मैं प्रिंट करूँगा इफ़ बुलियन जो हमारा एफ था वो ट्रू है, तभी मैं ये प्रिंट करूँगा। तो मैं इफ़ का ब्रैकेट यहाँ ओपन करता हूँ और नीचे क्लोज कर देता हूँ। तो अगर एफ़ की वैल्यू ट्रू होगी तभी ये प्रिंट होगा, अदरवाइज़ कुछ प्रिंट नहीं होगा। और इफ़ की वैल्यू तभी ट्रू होगी जब हमारा बंदा यहाँ पे होगा, दैट मीन्स नाम हमारा कुकीज़ में सेट होगा। और हम क्या करते हैं, एल्स एक लगा के ये भी लिख देते हैं और एग्जैक्टली वही मैसेज मैं ऊपर दे दूंगा, सिंपली सेव कर लेता हूँ उसको और प्रिंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न, जिससे कि इसके नीचे लाइन ना चले। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को रन करते हैं और एक बार मैं आपको और समझा दूंगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक नाम पास कर रहे हैं तो हमने कहा पीटर और गो टू फर्स्ट सर्वलेट। तो देखिए यहाँ पे हेलो पीटर वेलकम टू माई साइट, जैसे ये फर्स्ट सर्वलेट चला होगा, इस फर्स्ट सर्वलेट ने क्या किया होगा, कुकीज़ को ब्राउज़र में सेव कर दिया होगा और कुकीज़ हमारी ब्राउज़र में सेव हुई। जैसे आप गो टू सेकंड सर्वलेट करोगे, देखिए हेलो पीटर वेलकम बैक टू माई वेबसाइट, इसका मतलब कुकी गई है और कुकी गई है तो कुकी निकल गई है वहाँ पे और निकलने के बाद प्रिंट कर दिया। इन केस अगर आप देखिए ये लिंक कॉपी करते हो और ध्यान से देखिए फिर से नेक्स्ट टैब में ओपन करते हो तो कुकी ऑलरेडी सेव है। जैसे ही आप सेकंड सर्वलेट क्लिक करते हो, जैसे आपका सेकंड सर्वलेट चलता है, कुकी तीसरी रिक्वेस्ट में भी चली जा रही है। इवन आप जितनी मर्जी उतनी रिक्वेस्ट भेज दो, सर्वलेट टू को जलाओ, आपकी कुकीज जाती रहेगी बार बार। आपको सर्वर पहचान ले रहा है कि पीटर ही है जो रिक्वेस्ट भेज रहा है बार बार। लेकिन अगर आप इसी वाली लिंक को कॉपी करो, दैट मीन्स सर्वलेट टू को चलाने की कोशिश करो अपने इनकॉग्निटो ब्राउज़र से, और इनकॉग्निटो ब्राउज़र से अगर आप चलाने की कोशिश करोगे और पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पे देखिए ये बार न्यू यूज़र गो टू होम पेज एंड सबमिट योर नेम। इसका मतलब जब आपने इनकॉग्निटो से चलाने की कोशिश की सर्वलेट टू को, उस केस में कोई कुकी नहीं मिली। और अगर कोई कुकी नहीं मिली, इसका मतलब उसने नल रिटर्न किया और ये कुकी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई और उसने प्रिंट किया ए बार न्यू यूज़र गो टू फर्स्ट सर्वलेट और हमने रिटर्न कर दिया। इसका मतलब इसके नीचे का कुछ चला ही नहीं है। और इन केस अगर आप क्या करते हो, फर्स्ट सर्वलेट पे जाते हो, सबसे पहले होम पे जाते हो और यहाँ से नाम देते हो, लेट अस सपोज हम अपना नाम दे रहे हैं और गो टू सर्वलेट वन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए फर्स्ट सर्वलेट चला, आपको कि इस इनकॉग्निटो के लिए भी सेट हो गई है। तो जैसे ही आप गो टू सर्वलेट टू करोगे, देखिए इनकॉग्निटो के लिए भी कुकी में डेटा था फेच हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कुकी को यूज़ करेंगे अपने वेबसाइट में कोई भी डेटा को रखने के लिए। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे अगर हम इसमें स्पेस दे देते हैं, लेट अस सपोज होम पे हों और हम क्या करते हैं, हम अपना पूरा नाम दे देते हैं, स्पेस भी मैंने दे दिया और जैसे मैं गो टू सर्वलेट वन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए दुर्गेश तिवारी आया। और जब मैं गो टू सर्वलेट टू पे करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दुर्गेश तिवारी नहीं आया, एक्चुअली यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए नेटबीन्स ओपन करूँगा और मैं कंसोल ओपन करूँगा और मैं एक्सेप्शन दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये देखिए ये कह रहा है, मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, जैसे मैंने स्पेस दिया था तो कह रहा है एन इनवैलिड कैरेक्टर 32 वॉट प्रेजेंट इन कुकी वैल्यू। इसका मतलब कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो इलीगल होंगे, इनवैलिड होंगे, जो आप कुकी की वैल्यू में नहीं रख सकते। उसी तरह स्पेस जो है वो इलीगल है फॉर कुकी वैल्यू, इनवैलिड है, तो आप स्पेस को नहीं रख सकते। अगर आप अंडरस्कोर रखते हो, लेट अस सपोज हम लोग अंडरस्कोर रखते हैं और गो टू सर्वलेट वन पे करते हैं, फिर गो टू सर्वलेट टू पे करते हैं, यस आप क्या कर सकते हो, अंडरस्कोर रख सकते हो, स्पेस नहीं रख सकते हो। इसका मतलब ये डिसएडवांटेज ही तो है कुकी की। आप सिंपल एक वर्ड रख सकते हो, विदाउट स्पेस रख सकते हो, दैट मीन्स आप आईडी और सिंपल टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ स्टोर कर सकते हो, ना कोई फोटो स्टोर कर सकते हो, ना इमेज स्टोर कर सकते हो, कुछ नहीं स्टोर कर सकते हो, सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो कुकी में, सिर्फ सेशन को मैनेज करने के लिए, दैट मीन स्टेट को मैनेज करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखा कैसे आप कुकीज़ को यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में स्टेट को मैनेज करने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको ये भी समझाया कि आप कैसे आप फर्स्ट रिक्वेस्ट में डेटा भेजोगे, फिर उसी रिस्पॉन्स में आप कैसे कुकी को ऐड करोगे और फिर कुकीज़ को कैसे फेच करोगे। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कुकीज़ को कैसे फेच करेंगे। जब आप रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज़ कॉल करोगे तो आपको मिलेगी एक एरे और बाय डिफॉल्ट मैंने दो वेरिएबल बना लिए, एफ इज इक्वल टू फॉल्स और नेम इज इक्वल टू ब्लैंक। बेसिकली ये दोनों फ्लैग वेरिएबल हैं, एफ फॉल्स मतलब न्यू यूज़र और नेम ब्लैंक मतलब अभी तक नाम नहीं है। अब मैं चेक करूंगा कहीं कुकीज़ की जो वैल्यू है वो नल तो नहीं है, अगर नल है इसका मतलब कोई भी कुकीज़ नहीं मिली। तो यहाँ पे मैसेज दूंगा यू आर न्यू गो टू
होम पेज एंड सबमिट योर नेम और फिर रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न का मतलब फंक्शन आपका यहीं से वापस चला जाएगा, नीचे की वैल्यूज नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो अब ऐसी बात है, नीचे एग्जीक्यूट आपको नहीं करना है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, दैट मीन्स कोई ना कोई कुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, लूप चला के कुकीज़ को निकालेंगे और उसका नाम निकालेंगे और चेक करेंगे जो नाम है वो यूज़र नेम तो नहीं है। अगर यूज़र नेम उसका नाम है, दैट मीन्स हमारी वही वाली कुकी है, तो हम लोग एफ़ की वैल्यू ट्रू कर देंगे और नाम उसकी वैल्यू निकाल के नेम वाले वेरिएबल रख देंगे। तो फाइनली हमारा एफ़ मीन्स ट्रू मतलब ओल्ड यूज़र और नाम में नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने चेक कर लिया, इफ़ एफ़ मतलब ट्रू है इसका मतलब ओल्ड यूज़र है, और अगर ओल्ड यूज़र है तो हमने हेलो नेम वेलकम टू माय वेबसाइट और थैंक यू प्रिंट कर दिया। अगर ये फॉल्स होगा दैट मीन्स ये पुराना यूज़र ही होगा, तो वही वही चीज़ प्रिंट करेगा यहाँ पे। तो इस वीडियो में मैंने क्लियरली आपको समझाया कि कुकीज़ को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टेट को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुकीज़ की हेल्प से एक लॉगिन लॉगआउट का पूरा सिस्टम बना के रेडी करेंगे और देखेंगे कैसे हम लॉगिन लॉगआउट सिस्टम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कुकीज़। उसमें भी हमें क्या करनी पड़ेगी, वैल्यूज़ को स्टोर करनी पड़ेंगी कुकीज़ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।